हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके 21 से लेकर के 29 फरवरी तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज की वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला क्लासेस अपना मेन्स का एक लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्ट होगा आपके होली के बाद यानी 12 मार्च 2020 से। 12 मार्च 2020 से हम मेंस का एक लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मंथ का कोर्स है जो सीजीपीएससी मेंस 2020 को टारगेट करते हुए, जो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगा आपके जून जुलाई 2021 में, उसको टारगेट करते हुए ये लॉन्ग टर्म बैच बनाया जा रहा है। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, एड्रेस डिटेल्स मिल जाएंगे, आ करके 3 डेज का डेमो क्लास ज्वाइन कर सकता है, ठीक। और आपके सीजीपीएससी प्री की बैचेस ऑलरेडी आपकी चल रही है, ऑलरेडी कंडक्ट हो रही है, तो जिसे प्री ज्वाइन करना है तो वो भी आ करके 3 डेज का डेमो लेकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, ठीक। चलिए देखिए, वैसे करंट अफेयर में बताने के लिए इस 9 दिन के टाइम पीरियड में ज़्यादा कुछ करंट अफेयर के कंटेंट नहीं थे, फिर भी कुछ कंटेंट निकाल के लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका नगरनार स्टील प्लांट। नगरनार स्टील प्लांट जो कि स्टार्ट होने वाला है आपके बस्तर जिला, देखिए बस्तर जिला के नगरनार में, बस्तर जिला के नगरनार में आपका एक नगरनार स्टील प्लांट स्टार्ट होने वाला है। कब? होली के बाद से। देखिए ये जो नगरनार, ये नगरनार जगह का भी नाम है, वहां पे उस बस्तर जिले के नगरनार शहर में स्टार्ट हो रहा है नगरनार स्टील प्लांट। इस स्टील प्लांट को संचालित कर रहा है आपका NMDC। ये NMDC का पहला प्लांट है। NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा यह स्टील प्लांट, यह आपका NMDC का पहला प्लांट है। NMDC जो कि आप सभी को मालूम होगा, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी में बचेली की रुंदरू में यह लौह अयस्क का उत्खनन करता है, यानी ये खनिजों की उत्खनन करने वाली कंपनी है। पहली बार है जो NMDC किसी प्लांट की स्थापना कर रहा है, ठीक। तो नगरनार स्टील प्लांट किसके द्वारा स्थापित किया गया है? NMDC के द्वारा। ये संचालित किया जाएगा NMDC के द्वारा। तकनीक, ये जो नगरनार स्टील प्लांट में जो तकनीक यूज होने वाली है, यानी स्टील के निर्माण के लिए जो तकनीक यूज होने वाली है, उस तकनीक का नाम है रोमेल्ट। रोमेल पद्धति पर आधारित या रोमेल तकनीक पर आधारित यह पहला स्टील प्लांट है। उत्पादन क्षमता, ये नगरनार स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता है आपकी 3 मिलियन टन सालाना, यानी हर साल 3 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है सरकारी क्षेत्र का दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र। ये जो आपका नगरनार में जो स्टील प्लांट स्टार्ट होने वाला है, ये हमारे इस सरकारी क्षेत्र का, ठीक, सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर का यह दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र होगा। दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र होगा। पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका भिलाई स्टील प्लांट। प्रदेश का सरकारी क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है पूछा जाए तो वो है आपका BSP, जिसकी उत्पादन क्षमता है 3.9 मिलियन टन पर ईयर, ठीक, 3.9 मिलियन टन सालाना ये BSP का उत्पादन क्षमता है, जिसे बढ़ा करके टारगेट किया जा रहा है कि 6.9 मिलियन टन अभी इसे बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। तो हमारे प्रदेश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? BSP। दूसरा कौन सा है? आपका नगरनार स्टील प्लांट। यदि हम निजी क्षेत्र की बात करें तो हमारे निजी क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्र है आपका जिंदल स्टील प्लांट रायगढ़। रायगढ़ में स्थित आपका जो जिंदल स्टील प्लांट है, ये हमारे प्रदेश का एकमात्र निजी क्षेत्र का आपका एकीकृत इस्पात संयंत्र है, ठीक। इसे भी याद रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गोबराहीन मंदिर। गोबराहीन मंदिर जो कि स्थित है आपके गढ़धनौरा, केशकाल घाटी और गढ़धनौरा के मध्य स्थित है। गढ़धनौरा जो कि आपके कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है। केशकाल घाटी और गढ़धनौरा के मध्य स्थित है आपका गोबराहीन मंदिर जो कि कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। यह मंदिर आपका नलवंशीय शासकों ने 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर का निर्माण काल 5वीं से 7वीं शताब्दी अनुमानित है, जो कि नलवंशीय शासकों द्वारा निर्मित किया गया था।
यह ईंटों से निर्मित मंदिर है, ठीक, ईंटों से निर्मित मंदिर है। यह जो मंदिर है इसके गर्भगृह में है आपका शिवलिंग, यानी ये जो गोबराहीन मंदिर है यह आपका शैव धर्म से संबंधित है, यानी यहाँ पे एक शिवलिंग है, ठीक, जहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। ये इम्पोर्टेंट या ये हाईलाइट में क्यों आया या यह आपका जगह न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि ये थोड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। साथ ही साथ अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले के कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ नक्सलवादियों द्वारा कुछ हमले किए गए, इसके बावजूद भी यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया, काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी, ठीक है, तब ये थोड़ा न्यूज़ में आया। तो याद रखिएगा गोबराहीन मंदिर जो कि गढ़धनौरा कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है, जो नलवंशीय शासकों द्वारा 5वीं से 7वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है, जो ईंटों से निर्मित है, जिसके गर्भगृह में शिवलिंग है, जो महाशिवरात्रि का मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका सरगुजा मेडिकल कॉलेज। सरगुजा मेडिकल कॉलेज जो इसका अब नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है आपका राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज। देखिए देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव की माताजी तथा अंबिकापुर रियासत की राजमाता थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा जो सरगुजा मेडिकल कॉलेज है उसका नाम परिवर्तित करके अब राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज रखे जाने का निर्णय लिया गया है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैव खेती में अव्वल। हमारे प्रदेश में जैव खेती में अग्रणी रहा आपका दंतेवाड़ा जिला, इसका नाम याद रखिएगा, बस इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग, ठीक, दंतेवाड़ा जिला जो ऐसा जिला है जिसने आपके हानिकारक रासायनिक खादों के स्थान पर पूर्णतः जैविक खादों का प्रयोग किया, जिसके कारण ये हमारे प्रदेश में अव्वल रहा, ठीक। नेक्स्ट है आपका चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू जो कि एक ब्लेड रनर और पर्वतारोही भी है, ब्लेड रनर जो आपके चित्रसेन साहू है, एक रेल दुर्घटना में इन्होंने अपने दोनों पैर गवा दिए, फिर आर्टिफिशियल पैरों के सहारे, ठीक, कृत्रिम पैरों के सहारे वे चलते हैं, दौड़ते हैं, साथ ही साथ पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्वतारोही है जो कि एक ब्लेड रनर है, ब्लेड रनर मतलब आर्टिफिशियल पैर के माध्यम से ये चलते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने ये रवाना हो रहे हैं आपके माउंट कोजी अस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, यानी 2228 मीटर इसकी हाइट है। ये एक कैंपेन का हिस्सा भी है, अपने पैरों पर खड़े हैं, इनके कैंपेन का नाम है अपने पैरों पर खड़े हैं। एक्चुअली ये जो है ये जो आपका कैंपेन जिससे जुड़े हुए हैं अपने पैरों पर खड़े हैं, जो भी व्यक्ति जो पैदाइशी या तो विकलांग है या दिव्यांग है या किसी सड़क दुर्घटना में अपने शरीर का कोई अंग खो चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को लाचार या उन्हें मतलब उनको लाचारी से दूर करना, उन्हें समाज में समानता का अधिकार दिलाना, उनके नामों के सामने से दिव्यांग शब्द को हटाना, विकलांग शब्द को हटाना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, उन्हें उनका सशक्तिकरण करना, ठीक, इस उद्देश्य से ये कैंपेन चलाया जा रहा है अपने पैरों पर खड़े हैं, जो कि दिव्यांग लोगों जो आपके निशक्त जन है उनके नाम के सामने से ये जो दिव्यांग शब्द है या आपका विकलांग शब्द है इसे हटाने की एक मुहिम है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये ब्रांड एम्बेसिडर है प्लास्टिक फ्री अभियान जो कि चलाया जा रहा है मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा, तो मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्लास्टिक फ्री अभियान की ब्रांड एम्बेसिडर भी है, ठीक, जो कि अभी हाल फिलहाल में रवाना हुए है माउंट कोजियस्को की चढ़ाई के लिए, जो स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया देश में, ठीक है, ऊंचाई है आपका 2228 मीटर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय किसान मेला जो आयोजित हुआ आपका ग्राम तुलसी बाराडेरा रायपुर में आपका राष्ट्रीय किसान मेले का आयोजन हुआ। इस राष्ट्रीय किसान मेला में आपके एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर परियोजना के कृषि स्टार्टअप इसमें शामिल हुए। ये जो आपका एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है ये आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक हिस्सा है, ठीक है,
एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर परियोजना के अंतर्गत कृषि स्टार्टअप इसमें शामिल हुए। ये जो आपका एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक पार्ट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? रायपुर में। रायपुर में कहाँ? ग्राम तुलसी बाराडेरा में। ठीक, नेक्स्ट है प्रदेश का पहला मोहल्ला क्लिनिक। प्रदेश का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक है ये खोला जाएगा आपके रायपुर में, या रायपुर में या रायपुर नगर निगम में। ठीक, रायपुर में, जिला रायपुर में या नगर निगम रायपुर में। ठीक, ये खोला जा रहा है आपके दिल्ली के तर्ज पर। एक्चुअली में जो आपका दिल्ली है, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकार है, वहाँ पर लोगों के इलाज के लिए मोहल्ले में आपके अस्पताल खोले गए हैं, सरकारी अस्पताल खोले गए हैं। तो उसी के तर्ज पर हमारे प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के तर्ज पर आपका प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा रहा है, जिसमें 165 प्रकार की बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक, ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित होगा। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला मोहल्ला क्लिनिक किस जिले में खोला जा रहा है? रायपुर। किस नगर निगम में खोला जा रहा है? तो रायपुर नगर निगम में। नेक्स्ट है आपका धान खरीदी। आप सभी को मालूम है प्रदेश सरकार द्वारा इस बार 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किया जा रहा है। इस धान को बेचने के लिए, यानी धान बेचने के लिए लगभग आपके 19.55 लाख या 19.55 लाख, 19.55 लाख किसान परिवारों ने पंजीकरण करवाया था। इस 19.55 लाख किसानों में से केवल 18.20, ठीक, 18.20 लाख किसानों ने धान बेचा। ठीक, तो ये देखा जाए तो ये जो आपका 19.55 का 18.20 किसानों ने आपका धान बेचा, जो कि 93% है। ठीक, मतलब कुल पंजीकृत किसानों में से केवल 93% किसानों ने ही धान बेचा है। ठीक है, जो धान की खरीदी हुई इस वर्ष वो है आपका 82.81 लाख मैट्रिक टन। ठीक, 82.81 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी इस साल प्रदेश सरकार द्वारा की गई। ठीक है, तो प्रदेश सरकार द्वारा इस साल कितने धान की खरीदी की गई, इंपॉर्टेंट है। 82.81 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी प्रदेश सरकार द्वारा की गई। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।